हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे मैं ये अपने हर व्लॉग में बोलता हूँ, लेकिन आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है ना एक फ़ोन ढूंढ रहा था अपने रेगुलर यूज़ के लिए। तो अब जो फ़ोन मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा था वो तो या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो फाइनली मुझे अभी लास्ट वीक ही पता चला कि शाओमी ने जो है वो अपना रेडमी सीरीज का नोट 12 लॉन्च कर दिया है। तो मैंने जब फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन देखी, जाके सर्च करी, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और परफॉर्मेंस एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि जो उसकी स्पेक्स हैं वो तो यही बता रही हैं। तो मैंने भी इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन पहुँच के जाके मैं ले आया हूँ फ़ोन। और इससे पहले जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था वो यार ये है, वो ये आईफोन 6 है। लेकिन अब आप जो भी आईफोन यूजर्स हैं उनको पता है कि अब ये फोन जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, इनके iOS वर्जन भी अपडेट नहीं होते हैं। अनबॉक्सिंग की वीडियो स्टार्ट करता हूं, और वीडियो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचती रहें, सारी अपडेट्स आप तक आती रहें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार, तो मार्केट में जिस फोन की इस वक्त सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है रेडमी नोट 12, और ये रेडमी नोट 12 हमारे पास आ गया है। इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि फ़ोन हमें ऑफर क्या कर रहा है। तो अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमारे पास आ गया ये अंदर एक पैकेट। इस पैकेट को भी अनबॉक्स करना पड़ेगा, देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या है। तो यहाँ हमारे पास है सिम इंजेक्शन टूल है, अंदर ये कुछ मैनुअल्स हैं, इसके अंदर PTA का भी मैनुअल है और डिफरेंट इसके अंदर कुछ मैनुअल्स हैं। तो भाई ये रहा हमारा रेडमी नोट 12। अभी फ़ोन को एक्सप्लोर करने से पहले मेरा ख्याल है कि हमको बॉक्स को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए कि बॉक्स में हमारे पास और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो जैसे आजकल हर दूसरा फ़ोन ऑफर कर रहा है, रेडमी नोट 12 के पास भी ये प्लास्टिक पाउच है जो इन्होंने हमें इस बॉक्स में डाल के दिया है, कि जो कि एक इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए फ़ोन के लिए ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद बॉक्स में क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक 33 वाट का चार्जर है। सरप्राइजिंग बात यह है कि इससे पहले रेडमी नोट 11 तक 67 वाट का चार्जर आया करता था, और यहाँ चार्जिंग अडॉप्टर के साथ एक टाइप सी केबल भी मौजूद है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किया, फ़ोन को जो है वो अनरैप करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन हमें बेसिकली क्या क्या ऐसे फ़ीचर्स ऑफ़र कर रहा है जो कि इस वक्त मार्केट में और कोई फ़ोन इस प्राइस रेंज में हमको कहीं करीब करीब से भी होके नहीं गुजर रहा। तो फ़ोन का जो ये एक फ़ील है, बहुत ही प्रीमियम फ़ील देने की इन्होंने कोशिश करी है। फ़ोन को ऑन करते हैं, देखते हैं, इसको सेटअप करते हैं आगे चल के। 120Hz का रिफ़्रेश रेट है, तो इस वजह से जो ये टच पैनल है बहुत ही स्मूथ आपको फ़ील होगा, और 6.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है, तो और कलर्स जो है वो आप देख ही सकते हैं। तो फील भी जो है वो इसकी बहुत ही प्रीमियम फील है, तो इसका टच यूज़ करने से भी बहुत ही ऐसा फील हो रहा है जैसे आप सैमसंग का कोई और बड़े ब्रांड का कोई आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। कैमरे की बात करें तो 3 कैमरास इस फ़ोन में अवेलेबल हैं। जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है, उसके साथ आपको वाइड एंगल लेंस और टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। कैमरे को मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे एक नए ब्लॉग में, जब तक आप रेडमी नोट 12 का एक 360 लुक देखें और इन्जॉय करें। अनबॉक्सिंग वीडियो, अब इसका जो परफॉर्मेंस आउटकम है वो मैं एक हफ्ते के बाद एक और वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि जो इसका एक्चुअल रिजल्ट है वो हमें पता चले। अब ऐसा ना होना कि लिखा हुआ कुछ है और परफॉर्मेंस जो है उस तरह की हो ना, तो मैं तो यही चाहूंगा पर्सनली कि अगर अच्छा फोन है तो ये प्रोडक्ट फिर आप लोग भी बाय करें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको मेरे ब्लॉग से एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आपने इस तरफ जाना नहीं है। तो लेकिन खैर, लग अच्छा रहा, होपफुली पैसे लगाएं तो अच्छी चीज होगी, और शाओमी क्योंकि एक वेल नोन प्रोडक्ट है और एक अच्छी कंपनी है, तो वो उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। उनका जो ओवरऑल रिव्यू है पीछे, जो उनकी पास प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहे। आज की अनबॉक्सिंग वीडियो फिर अब यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फीडबैक जो है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप इन करिएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन नैप द ग्रैब इज साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।